नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर बहुत अधिक दावे किए जाते हैं। यहां पर दावा किया जाता है कि यहां पर लाखों टन सोना गाड़ा हुआ है और दबाया हुआ है। यहां पर आप जब ये वीडियो देखेंगे तो इसके अंदर आपको खुदाई के अंश भी मिलेंगे। यहां पर लोगों ने इस हवेली के अंदर खुदाई भी की है और सोना खोजने की कोशिश की है, लेकिन दोस्तों अभी तक सफलता किसी के हाथ में नहीं लग पाई है। ये जो हवेली है ये आगरा में स्थित है, जिला आगरा की तहसील बाह में एक जिला ग्राम पंचायत है बमरौली, वहाँ पर एक गांव है। उस गांव के बीहड़ में चंबल के किनारे ये हवेली स्थित है। इस हवेली में कुछ समय पहले तक कुछ लोग रहा करते थे और एक अंधी मैडम भी रहा करती थी, लेकिन उनके जाने के बाद ये हवेली सुनसान हो गई। आप देख पा रहे होंगे इस हवेली में किस तरह से पेड़ और झाड़ उगाए हैं, क्योंकि इसका मेंटेनेंस जीरो है, काफ़ी हद तक टूट फूट गई है। और इसके अंदर अभी आप देख पाएंगे काफ़ी खुदाई की गई है, लोगों ने सोना और गड़े हुए हीरे जवाहरात खोजने की काफ़ी कोशिश की है, पर अभी तक सफलता किसी के हाथ नहीं मिली है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनसे पूछने के बाद मालूम चला है कि यहाँ वाकई में कुछ ना कुछ तो है। इस हवेली में कुछ ना कुछ कीमती चीज़ें ज़रूर गाड़ी गई हैं, लेकिन खोजना काफ़ी मुश्किल है। इस हवेली में ये घोड़े के लिए बनाया गया स्थान है। मैं सबसे ऊपर छत पर खड़ा हुआ हूँ, चारों तरफ चंबल का बीहड़ है, आप देख पा रहे होंगे। ये सामने किचन है, रसोई बोलते थे इसको, इसमें खाना वगैरह बनाया जाता था इस हवेली के लिए, हवेली में रहने वाले लोगों के लिए। और नीचे एक फ्लोर है, एक ऊपर फ्लोर है, और इसमें बेसमेंट भी है। बेसमेंट में अभी जा पाना संभव नहीं हो पाया था, आगे आपको वीडियो में जो बेसमेंट में जाने का रास्ता है वो दिखा दूँगा, लेकिन अंदर जाना संभव नहीं हो पाया था क्योंकि अभी तक ये पूरा का पूरा कबाड़ हो चुका है, टूट फूट चुका है। और आप देख पा रहे होंगे इसकी नक्काशी, यहाँ जिस ज़माने में ये बनाई गई थी काफ़ी बेहतरीन बनाई गई थी, काफ़ी अच्छी नक्काशी है, काफ़ी बढ़िया बनाया गया था, लेकिन इसके मेंटेनेंस के अभाव में ये काफ़ी हद तक टूट फूट गया। ये सामने कुआ है, अभी जो जूम करके दिखाया था मैंने, ये सामने कुआ था। इस कुएँ से इस हवेली में पानी की व्यवस्था होती होगी, और बहुत ही सुंदर दृश्य है। जब मैं गया था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन मेंटेनेंस ना होने की वजह से ये एकदम से वीरान और टूट फूट गई है। और अभी तक किसी को कुछ मिला नहीं है, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, समय पता नहीं कब किसके तरफ हो जाए, तो उसको कुछ ना कुछ तो मिल ही सकता है। बाकी लोगों ने काफ़ी कोशिश की है, अब शायद किसकी कोशिश कामयाब होती है ये तो वक्त ही बताएगा। उसके लिए दोस्तों लोगों को काम करना होगा, मेहनत करनी होगी। ओके दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।